धरते गाते अंबर गाता, धरते गाते अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज साकार।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्तामणियों से करुणा की सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज Bye-bye.
बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। महामनस्वनी कथा व्यास रामायण मर्मज्ञ साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमने साध्वी जी के माध्यम से शिव विवाह प्रसंग बड़ी ही विस्तार से श्रवण किया। भगवान शिव जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में संहार का द्योतक समझा जाता है, समस्त सृष्टि के संहारक के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव केवल और केवल मात्र संहार करता नहीं है, बल्कि उनके तो नख से लेकर शिख तक एक एक श्रृंगार हमारे जीवन में अनंत प्रेरणाओं का स्रोत है, हमारे जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करता है, उसके लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, आप जानते ही होंगे। मुंबई के पास एलिफेंटा आइलैंड पर एक गिरी मंदिर है। यूं तो इस मंदिर में अनेकानेक मूर्तियां स्थापित हैं, परंतु इन सभी मूर्तियों में से एक भगवान शिव की मूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जानते हैं क्यों? इस मूर्ति की क्या विशिष्टता है? इस मूर्ति के तीन मुख हैं और ये तीनों ही मुख भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाते हैं। दाई ओर का मुख अति रुद्र है, बौहें कमान से खींची हैं, हाथ में फुफकारता हुआ सर्प है। यह है महादेव का रौद्र स्वरूप, उनका संहारक स्वरूप। बाईं ओर का मुख अलंकारों से सुसज्जित शिव शक्ति स्वरूप है। आंखें आधी मुंदी हुई हैं, होठों पर एक अजब सी मुस्कान है। यह हमारे महादेव का कल्याणकारी स्वरूप है, उनका ममत्व स्वरूप है, उनका ममतामयी स्वरूप। और बीच का मुख वह है ध्यानस्थ मुख मुद्रा, शांत सौम्य आनंदित। यह है महादेव का योगस्थ स्वरूप, उनका योग स्वरूप। एक ही मूर्ति भगवान शिव के तीन अलग अलग स्वरूप को दर्शा रही है, क्योंकि सज्जनों वह एक ही शिव सत्ता है जो अलग अलग समय पर अपने अलग 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 स्वरूपों को, कभी ध्यानस्थ स्वरूप, कभी योगस्थ स्वरूप, कभी ममत्व स्वरूप, तो कभी रौद्र स्वरूप, अलग अलग स्वरूपों को धारण किया करती है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गत दिवस साध्वी जी के माध्यम से और गुरुदेव की कृपा से
हमने भगवान शिव के इन तीनों ही स्वरूपों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को भली भांति समझा, उनको जाना। और आज हम प्रभु श्री राम की पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के पीछे छिपे हुए गूढ़ संदेशों को श्रवण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, सचमुच हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। परंतु सज्जनों, आज की कथा को शुरू करने से पूर्व, उसका शुभारंभ करने से पहले, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन अ सिंगल फैक्ट दैट व्हाई दिस कथा, व्हाई शुड वी लिसन टू दिस कथा। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आखिर यह कथा हमें क्या लाभ पहुंचा सकती है, हम क्यों सुने? अगर इसे साइंस के लिंगों में समझें तो हम जानते हैं कि यह समस्त संसार एक्शन और रिएक्शन के फिनोमिनन पर चल रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हम जो भी एक्शन करते हैं हमारे ऊपर उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। हमारी हर क्रिया पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, हम जो भी करें। और यही एक्शन रिएक्शन, कॉज और इफेक्ट ही हमें सुख दुख के बंधनों में बांधे रखता है, इसके घेरे में घेरे रखता है। फिर ऐसे में क्या करें, इसका क्या उपचार है, व्हाट इज द रेमेडी? सजनों, प्रभु श्री राम की कथा ही एकमात्र उपचार है। लॉर्ड्स कथा इज द ओनली एंटीडोट। पर कैसे, हाउ? देखिए, अगर न्यूटन ने ये लॉ रखा कि हर एक्शन पर रिएक्शन होना स्वाभाविक है, तो साथ ही साथ उसने अपने इस लॉ पर एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी कि दो एंटिटीज एक्ट और रिएक्ट तभी कर सकती हैं व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन, समान स्तर पर खड़ी होती हैं। अगर उनमें से एक भी एंटिटी को ऊंचा उठा दिया जाए तो वह एक्शन और रिएक्शन इसके घेरे से बाहर निकल आती है, बाहर की परिस्थितियां फिर उस पर असर नहीं डालती। ऐसे में कथा क्या करती है? कथा एक्चुअली गिव्स अस लिबरेशन, एंड नॉट ओनली जस्ट द मॉर्टल लिबरेशन, बट इट लिबरेट्स आवर बीइंग, इट एलिवेट्स अस, मेक्स अस इवॉल्व साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। वह हमारे मन, हमारी आत्मा को ऊंचा उठा देती है, ऊपर की ओर उठा देती है, और तब हम इस एक्शन रिएक्शन के घेरे से बाहर निकल आते हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तब हम पर यह संसार के दुख, दर्द, विपदाएं, आपदाएं, यह कोई असर नहीं डाल पाती। वी बिकम लिबरेटेड, जीवन मुक्ता, हम मुक्त हो जाते हैं। और सज्जनों, यही है प्रभु श्री राम की कथा के पीछे छिपी हुई वैज्ञानिकता, उसकी महानता, उसकी गरिमा। तो आइए ऐसी ही गरिमाशाली, ऐसी ही महिमाशाली कथा का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए एक बार पुनः हम आग्रह करते हैं मंच पर अध्यासीन, परम पूजनीय, परम श्रद्धे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, कथाव्यास, महामनस्विनी, रामायण मर्मज्ञा, साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की जय। सीताया पतये
सुखांतं स्वयं रामं प्रपद्ये शिवं नित्यं एकं विभुः कारणाख्यं गुणाकारं आधारहीनं सुमान्यं महेशं कलेशं परेशं नरेशं नरीशिं महिषिं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। परम श्रद्धे सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। क्या आप जानते हैं कि जब एक कवि अपनी कलम को उठाता है और कागज पर टिका देता है तो उस कलम के माध्यम से भांति भांति के सुंदर शब्द उभरने लगते हैं और देखते ही देखते एक सुंदर काव्य की रचना हो जाती है। ऐसे काव्य की कि जिस काव्य को पढ़ने के पश्चात व्यक्ति उस कवि की सराहना किए बिना नहीं रह पाता। ठीक इसी प्रकार से जिस समय ईश्वर रूपी उस महाकवि की कलम उठी तो सृष्टि की सर्जना हुई, एक महाकाव्य की रचना हुई, यूनिवर्स की रचना हुई। ऐसा महाकाव्य जिसे देखकर ऋषि मुनियों के पास शब्द नहीं रहे, उन्होंने उस महाकवि की महिमा का गुणगान किया, महाकवि के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। ओम यस्ये मे हिमवतो महित्व, हे परम पुरुष, वह परम पुरुष जिसकी महिमा का गुणगान हिमच्छादित पर्वत भी करते हैं, जिसकी गरिमा के गीत सागर की लहरों में घोषित होते हैं, जो सर्वव्यापक है, दसों दिशाएं जिसकी व्यापकता को दर्शाती हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, आनंद स्वरूप प्रभु के चरणों में भक्त बारंबार नमन करता है, बारंबार प्रणाम करता है। देखा जाए तो सच में महाकाव्य कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। यह महाकाव्य विशाल तो है, वृहद है, लेकिन रहस्यात्मक भी है। यही कारण है कि सृष्टि रूपी महाकाव्य का हम अभी तक एक चौथाई पन्ने को भी ठीक ढंग से पलट कर पढ़ नहीं पाए हैं। इतना वृहद है, इतना रहस्यमय है, कितने प्रश्न हैं, कितनी जिज्ञासाएं हैं, कितने विचार हैं। सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई? एक बीज जिसे धरती में डालते हैं वो अंकुरित बनकर धरती को चीरकर बाहर आ जाता है, कैसे? यदि एक मनुष्य मरने के पश्चात ईश्वर के घर जाता है तो ईश्वर का घर कहां है? आकाश की ओर दृष्टि घुमाकर देखे तो चांद है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, किसने चिपकाए होंगे? बादल आते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, वर्षा कर चले जाते हैं, किसका कर्तव्य है, किसका चमत्कार है? यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो वो नजर क्यों नहीं आता? वो करुणामयी है, दयालु है, तो उसकी संतान पीड़ा में क्यों है? यदि वो न्यायप्रिय है तो एक गरीब अन्याय की वेदी पर क्यों बलि चढ़ा दिया जाता है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या ईश्वर की महिमा का गुणगान कर लेना जीवन का लक्ष्य है?
सत्य की अनुभूति कैसी हो, कितने प्रश्न हैं, कितनी जिज्ञासाएं हैं, कितने विचार हैं, ये जो प्रश्नों के बाण हैं हमारे हृदय को हर पल भेदते रहते हैं। जानते हो, जिस समय एक जिज्ञासु के भीतर में ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो इन प्रश्नों को, इन जिज्ञासाओं को शांत करने की एक ही स्थली है, और वो है प्रभु की कथा। इतिहास साक्षी है, युगों से जब एक जिज्ञासु के भीतर में ईश्वर को पाने की ललक पैदा हुई, ईश्वर को जानने की उत्कंठा जागृत हुई, तो प्रभु की कथा ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। जीवन के सभी जो अनसुलझे हुए पहलू थे, एक एक कर पर्दा हटा दिया उनसे, चाहे वो सती जी हैं, भरद्वाज जी हैं, काकभुशुंडी जी हैं, गरुड़ जी हैं, तुलसीदास जी हैं, किन किन भक्तों का नाम लेंगे, जितने भी भक्त हुए हैं वो इस राम कथा की गंगा में डुबकी लगाकर ही भक्ति की यात्रा तक पहुंच पाए हैं, ईश्वर तक पहुंच पाए हैं, सत्य का बोध कर पाए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठकर प्रभु की कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं। कैसी कथा, साधारण कथा नहीं है ये, साधारण वृतांत ये हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की कथा की बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, राम कथा क्या है, राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी। उन्होंने कहा राम कथा क्या है, वो कहते हैं कि राम कथा एक कामधेनु गाय के समान है, जो एक व्यक्ति की सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है, ऐसी कामधेनु गाय है। और इस राम कथा रूपी गाय का सबसे पहले दोहन किया भगवान शिव ने, श्री पार्वती जी को निमित्त बनाया और इस गाय को दुहा और उसमें से ज्ञानामृत की प्राप्ति की। इसीलिए भक्त इस पीठ को ज्ञान पीठ कहते हैं। इसी कामधेनु गाय का, श्री राम कथा रूपी गाय का दोहन किया काकभुशुंडी जी ने और बछड़ा बनाया गरुड़ जी को, और उसमें से प्रेम भक्ति की रसधार निकली। इस पीठ को भक्तों ने भक्ति पीठ कहा। ठीक इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भी निमित्त बनाकर भरद्वाज जी को इसका दोहन किया और उसमें से कर्मयोग की प्राप्ति की। किसी ने पूछा, बाबा सबने श्री राम कथा का दोहन किया, क्या आपने श्री राम कथा का दोहन नहीं किया? तो बाबा कहते, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना दोहन करूं, मैंने भी दोहन किया, मैंने भी श्री राम कथा को दुहा। तो जिज्ञासु ने कहा, तो आपने किसको बछड़ा बनाया? तो उन्होंने कहा, मैंने किसी और को नहीं, अपने मन को बछड़ा बनाया। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, बाबा प्रारंभ में कहते हैं ये गाथा मैं अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के विचारों को शांत करने के लिए और उसे प्रभु के साथ जोड़ने के लिए कह रहा हूं। वो कहते हैं मैंने अपने मन को बछड़ा बना दिया। यही तो कारण है जो भक्त होते हैं वो अपने मन को बछड़ा बनाकर ईश्वर की कथा का रसा स्वादन उसे कराते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, और इस रामकथा रूपी गाय के दोहन के पश्चात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, भक्ति की प्राप्ति हुई, प्रेम की प्राप्ति हुई, कर्मयोग की प्राप्ति हुई, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मैं मालामाल हो गया। यही कारण है कि भक्त सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता है, पदार्थों की इच्छा नहीं रखता है। वो कहता है मुझे अपनी इंद्रियों को धन्य करना है, सुनाना है तो सांसारिक बातें मत सुनाओ, ईश्वर की बातें सुनाओ, क्योंकि मेरा मन ईश्वर की कथा के अतिरिक्त, उनके चरणों के अतिरिक्त और कहीं लगता ही नहीं है। सूरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लगा दिया तो रामचरित मानस की रचना हो गई। रामचरित मानस, इसको उलट कर दे तो मानस चरित राम बनता है। राम को पाने के लिए सबसे पहली शर्त है मानस को, मन को शुद्ध करना होगा, मन को निर्मल करना होगा, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन मोहि भावा। जो निर्मल मति का है, शुद्ध विचारों का है, जिसके भीतर में कपट नहीं है, छल नहीं है, मन से मुझे चाहता है, मन को अर्पित मुझ में करता है, चित्त को मुझ में लगाता है, वो मुझे प्रिय है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, अलभ्य नहीं हूं उसके लिए मैं। सच में कल भी श्रवण किया था, मन है, मन को भक्ति में लगा देंगे तो माला माल हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम स्यू, मन ही करत फजीत। कहते मन ही राम से मिलाता है और यही फजीयत खड़ी करता है, दूर भी यही कर देता है। मन के हारे हार है, मन से इंसान हार जाता है, मन से जीत जाता है। कबीर जी कहते हैं कहे कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत नाही। ये ठहरता नहीं है, यही कारण है भक्त कहते हैं मन भक्ति में लग जा, ईश्वर की कथा को सुन, तेरा चित एकाग्र हो पाए। ये तो गत है अटपटी, झटपट लखे ना कोए, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की खटपट मिट गई तो झटपट दर्शन होगा, दर्शन होने में क्षण नहीं लगेगा, ये खटपट मिटानी है। भक्त बड़े चतुर होते हैं, वो जानते हैं मन की खटपट यहाँ आकर मिटेगी, प्रभु की कथा में मिटेगी, एकाग्रता यहाँ बनेगी, चित्त यहाँ शुद्ध होगा, मन निर्मल यहाँ होगा, इसीलिए वो दौड़कर आते हैं प्रभु की कथा को सुनने के लिए। वो जानते हैं कथा की महानता कितनी है, प्रभु की कथा की कीमत कितनी है, क्योंकि निर्मल मन करना है तो कथा में आना होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे, एकाग्रता जरूरी है। बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं हम बड़े एकाग्र हैं, वस्तुओं के प्रति, स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता तो मन को प्रभु चरणों में करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति है, वो नोट गिनने लगता है, उसका भी मन एकाग्र हो जाता है, सांसारिक बातें करता है, एकदम एकाग्र हो जाता है, कोई चिंता नहीं रहती दिन दुनिया की। तुलसी बाबा कहते ऐसी एकाग्रता नहीं, वह एकाग्रता चाहिए जो ईश्वर के समीप ले जाए, ईश्वर से मिला दे। और भक्त क्या करता है, वो अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि वो जानता है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोए। कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं कर सकता, वो माया के आकर्षण में उलझ जाता है, माया उसे दौड़ाती है वो दौड़ता है, माया नचाती है वो नाचता है, माया जो कहती है वो करता है। क्यों? क्योंकि उसे जीतना नहीं आता माया को, माया से निकलना नहीं आता, उसको अपना लक्ष्य भूल जाता है, वो माया में रम जाता है। लेकिन एक भक्त जब भक्ति के पथ पर बढ़ता है, भक्ति की यात्रा करता है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए उत्कंठा जागृत करता है, तो वो अपनी कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की बेड़ियों को तोड़कर आगे निकलता है। यदि वो इसमें फंस कर रह गया तो ये माया उसे उलझा देगी और वहीं पर वो अपने जीवन को नष्ट कर लेगा। फिर ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसे होती है, मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूं। कहते हैं एक बार दो मित्र थे जिनका नाम था राहुल और देव, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। और एक बार वो व्यापार के सिलसिले में जहाज पर बैठकर किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे थे, जहाज भी पूरी सामग्रियों से भरा पड़ा था, अटा हुआ था, बड़े प्रसन्न थे व्यापार के सिलसिले में जा रहे हैं दूसरे देश। तभी क्या हुआ, अचानक ही सागर में तेज उफान आया, तेज लहरें उठी और उन लहरों में वो जहाज उन लहरों की चपेट में आने लगा, जहाज डोल रहा है। अब सभी क्या करें, प्राणों की रक्षा कैसे करें, सागर के बीचों बीच है। क्या हुआ, एक विशाल एक ऊंची तरंग आई और उसने जहाज को अपने में समेट लिया, यात्री मर गए। लेकिन सौभाग्य था उन दोनों मित्रों का,
जो जीवित रह गए लकड़ी के सहारे एक टापू पर पहुंच गए। जैसे ही टापू पर पहुंचे, टापू निर्जन है, सुनसान है, जहरीले पेड़ पौधे लगे हैं, कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, इतना घना वन है, कहां जाएं? घर पीछे छूट गया है, मार्ग पीछे छूट गया, लक्ष्य पीछे छूट गया है, कुछ समझ नहीं आ रही, भयभीत हैं, चलते जा रहे हैं दोनों मित्र, चलते जा रहे हैं। तभी जैसे ही यात्रा कर रहे हैं, देव ने बोला, कहने लगे, मित्र मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है ये मार्ग सही नहीं है, हमें उचित मार्ग का चुनाव करना चाहिए, सही लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने घर पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ये मार्ग उचित नहीं है। दूसरा मित्र कहने लगा, छोड़ो, चलते जाओ, एक ना एक दिन तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अब मार्ग की तलाश करने की क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है यही मार्ग अच्छा है, इसी मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। दूसरे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, अन्यथा मैं अलग होकर चल दूंगा। दोनों मित्र अलग अलग हो गए। अब जो राहुल है, उसने अलग पगडंडी पकड़ ली है, वो अपनी पगडंडी पर चल रहा है, चलते चलते थक गया, भूख लग रही है, भोजन की इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में क्या मेरे लिए भोजन नहीं है, क्या मैं तुम्हारी सृष्टि में भूखा मर जाऊंगा, मुझे कुछ चाहिए, मेरी क्षुधा को शांत कीजिए। और ऐसे आर्त स्वर में प्रार्थना की तो क्या हुआ, कुछ कदमों की दूरी के पश्चात उसे फलों से लदा हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया, वो दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गया, बहुत सारे फल खाए और अपने दूसरे मित्र को याद किया और उसकी किस्मत पर अफसोस भी जाहिर किया और उसी पेड़ के नीचे सो गया। परंतु जो दूसरा मित्र है, वो दौड़ रहा है, बेतहाशा दौड़ रहा है, नहीं मुझे रुकना नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना थकान है, ना कोई चिंता है, यदि चिंता है तो वह मात्र एक, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अपने गंतव्य पर पहुंचना है। इधर दूसरा मित्र खा लिया, पी लिया, दिन व्यतीत हो रहे हैं, उसे वन अच्छा लग रहा है, प्राणी अच्छे लग रहे हैं, दृश्य अच्छे लग रहे हैं, वहीं पर रम गया, कहने लगा, ईश्वर तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी लुभावनी है, यदि कोई संगी साथी मुझे मिल जाए तो मैं उससे बांट लूं अपनी खुशी, मुझे कोई जीवन साथी भी दे दो। सौभाग्य से एक और समय ने करवट ली, जहाज डूबा, उसमें से एक यात्री बचा, जो एक स्त्री थी, उसे संगी साथी भी मिल गया। लेकिन जो देव है वो प्रयासरत है, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो रुक नहीं रहा है। दूसरे मित्र ने घर बना लिया, गृहस्थी बसा ली, वहीं पर रम गया, कुटिया बनाकर रहने लग गया, बहुत दिन व्यतीत हो गए। लेकिन दूसरा दोस्त प्रार्थनाएं कर रहा है, गुहार कर रहा है, ईश्वर कब तक मैं ऐसे भटकता रहूंगा, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने घर जाना, मुझ पर कृपा करो। और एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि टापू के पास एक जहाज गुजर कर जा रहा है, जैसे जहाज को देखा ऐसे लगा जैसे मुक्ति का द्वार मिल गया उसे, उसने हाथ हिलाया, इशारा किया, आवाजें दी, चिल्लाया, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे लेकर जाओ, मुझे मुक्त करो, मुझे इस बंधन से आजाद करो। तो क्या हुआ, जहाज ने करवट ली और उस देव को, उस व्यक्ति को जहाज में बिठाया और ले गए। लेकिन इसी कहानी के अंतर्गत वो दूसरा जो दोस्त है वो वहीं पर रमा रहा और एक दिन जंगली जानवरों का शिकार हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहानी अटपटी है कि एक ने स्थान ग्रहण कर लिया, एक बस गया और एक चला गया। लेकिन यदि इसी कहानी को, इसी दृष्टांत को अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये संसार बंधु वही तो एक टापू है जिस टापू पर हम सब आकर बस गए हैं, ये टापू ही तो है, हम आए, संसार लुभावना लगा, अच्छा लगा, आकर्षित किया इस संसार ने, एक के बाद एक रिश्ते नाते बनते गए, मन का जुड़ाव होता गया, मन जुड़ता गया, करते करते हम अपने लक्ष्य को भूल गए, संसार को अपना मान लिया। लेकिन संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार में रहकर भी सांसारिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, उन्हें वो जहाज मिल जाता है जिस पर बैठकर वो पार हो जाते हैं। और वो जहाज क्या है,
गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं इंसान के पास कलयुग में जहाज है लेकिन वो सवार ही नहीं हो रहा तो पार कैसे होगा। और वो जहाज है भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। बाबा कहते हैं वो जहाज है, वो नौका है, श्री राम कथा रूपी नौका। सवार हो जाओ भव से पार हो जाओगे। और इसीलिए भक्त हमें संदेश देता हुआ, समझाता हुआ, प्रेरणा देता हुआ क्या कहता है, आओ और इस श्री राम कथा की नौका में सवार होकर भक्ति को, भगवान को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर लो। और वो क्या संदेश दे रहा है, आइए हम भी सुनते हैं। महिमा गाई
वेद पुराणों में संतों ने इसकी महिमा गाई। कर ले यतन मुक्ति काब तो, कर ले यतन मुक्ति काब तो, तू इस बार कथा के नौका में हो जा सवार। कथा के नौका में हो जा सवार। अब सर कथा की नौका में सवार हो जा और ईश्वर का चिंतन कर, क्योंकि कथा एक ऐसा स्थल है जब भक्त इसमें आता है, प्रवेश करता है तो ईश्वर के चिंतन की ओर उन्मुख हो जाता है। और ऐसे भावों से भरे हुए भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेताह सततं योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वो कहते हैं कि पार्थ, जो निरंतर भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। वो सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कैसा चिंतन, कैसा स्मरण। कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, उन्होंने कहा सुमिरन ऐसा कीजिए, कैसे वाला सुमिरन करने की उन्होंने प्रेरणा दी, जैसे कामी काम एक पलक नहीं बिसरे निसदिन आठो याम। सुमरन ऐसा कीजिए जीव सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारों बरत बिसरत कबहू नाही। सुमरन सैसो कीजिए जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमरन सोमन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसारे आपनो होई जाए तही रंग। सुमरन सोमन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमरन सोमन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बसारे आपनो होए जाए तही रंग। सुमरन सोमन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे छन एक में, एक पल में प्राण त्याग देती हैं, एक क्षण की देरी नहीं लगाती। सुमिरन कैसा, स्नेह कैसा, चिंतन कैसा, जैसे कामी व्यक्ति का चिंतन होता, जैसे कामी काम। एक कामी व्यक्ति आठों पहर में एक क्षण ऐसा नहीं आता जब वो स्त्री का चिंतन नहीं करता है। एक गाय वन में चरने जाती है, लेकिन उसका चिंतन, उसका ध्यान कहाँ होता है, बछड़े की ओर होता है, उसका ध्यान बछड़े में लगा रहता है। इसी प्रकार से हमारे संत कहते हैं, ऐसा चिंतन करना है, ऐसा स्मरण करना है, और जब ऐसा चिंतन ऐसा स्मरण होगा तब ही भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर व लागू मोहे राम। उन्होंने कहा जैसे कामी
स्त्री का चिंतन करता है, लोभी लोभ के लिए भागता है धन के लिए, ऐसा मेरा चिंतन बना दो, मैं आपका चिंतन करता रहूं। क्योंकि भक्त जानता है जब ईश्वर का चिंतन होता है तो ईश्वर मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, वो ज्ञान देता हूँ जिसके माध्यम से वो मेरा दर्शन कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना ही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है, वो सब अज्ञान है। आज हम देखें, आज संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है, विज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन अध्यात्म ज्ञानियों को देखना, उनका दर्शन करना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है अध्यात्म ज्ञानियों को देखना। क्योंकि आज हमने दृष्टिकोण बदल दिया, हमारी सोच क्या है, हमने ज्ञान का अर्थ क्या लगाया, बाहरी विद्या को अर्जित करना मतलब ये ज्ञान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना ही ज्ञान है, इसके विपरीत जो सब कुछ है वो अज्ञान है। आज हमने बाहरी विद्या को ज्ञान समझ लिया, बाहरी पदार्थों का आविष्कार को अपना ज्ञान समझ लिया, और इसीलिए अलौकिक सुख के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन बंधुओं, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी, जितना प्रयास हम बाहरी स्तर पर करें करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल बाहरी पर अपनी दृष्टि जमा लेना, बाहरी उत्थान, बाहरी विकास, और भीतर के विकास की कोई चिंता ही नहीं है, वो सुख समृद्धि, वो लाभ कहां तक जाएगा? मृत्यु के साथ वो समृद्धि, वो सुख, वो पदार्थ तो यहाँ के यहीं धरे रह जाएंगे, वो तो साथ जाने वाले नहीं है। ये कला, ये कौशल, ये आविष्कार, ये ज्ञान, ये बाहरी जो भी अर्जित करें, ये तो मृत्यु के साथ वहीं रह जाएगा, साथ क्या जाएगा? इसके साथ साथ महापुरुष कहते हैं, अपना आत्मिक उत्थान भी कर, अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़, उस ज्ञान को अर्जित कर। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमें लग रहा है हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, ये पर्याप्त है। ऐसा नहीं, डूबेंगे, अवश्य डूबेंगे। मात्र चर्चा से, मात्र बाहरी ज्ञान अर्जित करने से उत्थान नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, उसके लिए तो सही विधि चाहिए, सही कला चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है? उस इंसान की तरह जिसे तैरना नहीं आता है, वो डूबेगा ही डूबेगा। कहते एक बार क्या हुआ, एक नव शिक्षित बाबू नौका में बैठकर नदी पार कर रहे थे। केवट धीरे धीरे नौका को चला रहा था। अब वो शिक्षित था, अभिमान भी था, मुझे बड़ा ज्ञान है, कला है, कौशल है, विज्ञान का पता है, भंडार हूं मैं, अभिमान तो रहता है। अब बैठा बैठा अब सोच रहा, मैं क्या करूं, चलो केवट से बातें कर लेता हूं, नौका खेरा है, साथ साथ में मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे देगा। उसने कहा, अरे केवट भैया, क्या तुमने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है? केवट ने देखा, उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा, तुमने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, तुमने ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा? कैसे कैसे व्यक्ति हो? अरे तुम्हारे जीवन का तो एक हिस्सा बेकार चला गया, ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा तुमने। फिर थोड़ी देर के बाद वनस्पति देखी, पेड़ देखे, पौधे देखे, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। कहने लगे, अरे केवट भैया, मुझे ये बताओ, तुमने वनस्पति शास्त्र पढ़ा है? उसने कहा, नहीं, मैंने वनस्पति शास्त्र भी नहीं पढ़ा। उसने कहा, तुम्हारे जीवन के तो दो हिस्से बेकार हो गए, तुमने पढ़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद लहरों का उतार चढ़ाव देख रहा है, कहने लगा, ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, तुमने वनस्पति विज्ञान नहीं पढ़ा, अवश्य गणित शास्त्र तो पढ़ा होगा तुमने। उसने कहा, भाई बाबू, कैसी बातें कर रहे हो, मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, मैंने कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ा, मैं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, नाव खेता हूँ, पेट भरता हूँ, बस यही मेरा काम है। उसने कहा, मूर्ख कहीं का, अरे तुम्हारे जीवन के तो तीन हिस्से बर्बाद हो गए, अभी बातें ही कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, नदी में उफान आ गया, नौका हिचकोले खाने लगी। अब जैसे नौका हिचकोले खाने लगी, अब एक जोर, एक बड़ी तेज तरंग आई और नौका में आ गई, अब नौका में पानी भरना शुरू हो गया। अब केवट महाशय ने क्या किया, वो तो जल्दी से नदी में कूद गए। अब बाबूजी वहीं खड़े हैं, अब क्या मरता क्या ना करता, चिल्ला रहा है, ईश्वर मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अब केवट ने कहा, अरे भगवान को क्यों बुला रहे हो, कूदो नदी में, बचना है तो। वो पास गए, कहने लगे, अरे बाबू क्या कर रहे हो,
नदी में कूदो, मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे। उसने कहा मैं नदी में नहीं कूद सकता। अब केवट ने कहा क्यों, तैरना नहीं आता? उसने कहा नहीं आता। तो वो सांत्वना भरे शब्द में कहने लगा, अरे बाबू फिर तो तेरा सारा जीवन ही नष्ट हो गया, ले कर ले, कला से कुछ कर ले। सारांश यही है कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति में कला था, कला भी थी, कौशल भी था, लेकिन तैरने की कला ना होने के कारण वो डूब गया, जानता नहीं था तैरना। ऐसे ही संसार में हम सांसारिकता में रहते हैं, कला कौशल का ज्ञान है, भंडार सब कुछ है, लेकिन भव से पार होने की कला नहीं आती है। संत कहते हैं, साधक कहते हैं, जीव उस कला को सीख ले जिस कला से तू भव से पार हो जाएगा, अन्यथा तू डूब जाएगा। हा? और भव से पार होने की कला एक ही है, वो है प्रभु की भक्ति, वो है नौका, वो है ये दृढ़ माध्यम जिसके माध्यम से प्रश्नों को सुलझने का मौका मिलता है, जीवन का रहस्य पता चलता है, तत्ववेता की पहचान क्या है, गुरु किसे कहते हैं, जीवन लक्ष्य क्या है, कैसे मिलेंगे, एक एक रहस्य का उद्घाटन होता है। ये कला सिखाती है श्री राम कथा।